स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Okay, hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move to the next chapter, that is chapter number 15. Now talking of chapter number 15, then this entire chapter is dealing with the early period of the 17th century and more precisely in the sense of Mughals. तो मुगल्स के जो दो बड़े किंग थे, जहांगीर एंड देयर आफ्टर शाहजहां, इनकी एक इन्फॉर्मेशन ये वाला चैप्टर हमें देता है कि व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द जहांगीर एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द शाहजहां. द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस एंटायर चैप्टर इज ऑन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल. फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मुगल इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो इसके लिए इसके ऊपर इन डिटेल नहीं देखेंगे. बस ऊपर ऊपर से जो दो तीन चीजें मैं समझाऊंगा उतना ही याद रखना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर जो है सिंस इट डील्स विद जहांगीर एंड शाहजहां एंड यूपीएससी ने यहाँ से मेजॉरिटी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया से ही पूछे हैं, तो आई डोंट थिंक सो पॉलिटिकल एंड देयर आफ्टर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट जो यहाँ पे आज डिस्कस होंगे वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बट सिंस इट इज़ गिवन इन दी NCERT देन ऑब्वियसली वी हैव टू चेक इट आउट. बट इसके चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आर क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर दी पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स. प्रीलिम्स से टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें इसके ऊपर. तो लेट्स मूव ऑन टू दिस चैप्टर. बट जाने से पहले यू विल गेट द एक्सेस टू PPT एज वेल एज क्रक्स मटेरियल टू दी at the Telegram channel of ours, and at this same time if you are having any kind of the doubt, then feel free to reach out to me on the Instagram channel of ours. So Telegram as well as Instagram के ऊपर I am available. Telegram के ऊपर you will be getting access to PPT as well as crux material, and Instagram पे you can ask me any doubt if you are having. So let's move to this particular chapter. सबसे पहले पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम. तो ऊपर ऊपर से देखना पड़ेगा कि भाई कौन से चेंजेस जो है इस पीरियड में हुए थे. तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में टू किंग्स वेर देयर, जहांगीर एंड देयर आफ्टर शाहजहां. जहांगीर एंड शाहजहां बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर किंग वेर वी कैन से रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल, बिकॉज दे सेट अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर द एंटायर मुगल डायनेस्टी. ये बैड प्रेसिडेंट मतलब फादर रिवोल्टिंग अगेंस्ट सन रिवोल्टिंग अगेंस्ट फादर. अकबर के अगेंस्ट रिवोल्ट करके जहांगीर केम इनटू द पावर, जहांगीर के अगेंस्ट रिवोल्ट करके शाहजहां केम इनटू पावर. तो ये दोनों रिवोल्ट जो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी बात आज करेंगे. बट दिस पर्टिकुलर सागा वाज नेवर गुड फॉर द एंटायर मुगलिया सल्तनत. व्हाई इट वाज नॉट गुड? बिकॉज लेटर ऑन दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंट वाज फॉलोड बाय ईच एंड एवरी प्रिंस दैट वाज देयर इन मुगल डायनेस्टी, एंड जिसके वजह से फिर नोबलमैन गॉट द पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जब लेटर मुगल्स हम देखेंगे तो उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा बात करेंगे इलेबोरेटली, दैट हाउ नोबल्स ट्राइड टू प्ले ईच एंड एवरी प्रिंस अगेंस्ट अदर, एंड दिस प्रिंसेस वेर नॉट दैट इफेक्टिव एज दैट ऑफ औरंगजेब. तो दैट्स वाई फिर लेटर ऑन मुगल के डिक्लाइन का एक रीज़न जो है वो इंटरनल इनफाइटिंग अमॉन्ग प्रिंसेस ही रहा है, एंड यही इंटरनल इनफाइटिंग वॉज बेसिकली स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ दी अकबर के बेटों में ही बेसिकली सारे के सारे इशूज जो वो चालू हुए, एंड लेटर ऑन बाय एंड लार्ज सेम इशूज वेर ऑब्जर्व्ड और विटनेस ड्यूरिंग द लेटर मुगल एम्पेरर एंड देयर सन आल्सो. कंडीशन इन साउथ इंडिया बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम वाज बाय एंड लार्ज नॉर्मल. हमने देखा था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम बाय 1633 अहमदनगर वाला एरिया हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ शाहजहां. अहमदनगर के साथ साथ खानदेश, बेरार एंड बिदार वाले जो एरिया है वो भी बाय एंड लार्ज मुगल के अंदर आ चुके थे. बीजापुर, गोलकोंडा, इन दोनों के साथ फ्रेंडली ट्रीटीज वर साइन एंड बोथ ऑफ देम हैड एक्सेप्टेड सुजराइनिटी ऑफ द मुगल्स. तो वी कैन क्लियरली सी कि ऑन द फाउंडेशन ऑफ बीजापुर डायनेस्टी एंड गोलकोंडा डायनेस्टी मुगल हैड सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड स्टेबल रिलेशन इन दक्खन. ये रिलेशन लेटर ऑन अपरूट करने का काम औरंगजेब ने किया, एंड दैट्स व्हाई ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगजेब दक्खन वाला जो एरिया है इट स्टार्टेड टू बिकम अ बॉइलिंग पॉट or we can say ulcer for the Mughals, and that ulcer later on ruled Mughals also. Consolidation of the administrative structure, this was also quite significant. Administrative structure के ऊपर भी later on बात करेंगे. But by and large policies of the Akbar continued. Marriage alliance, Akbar's Dahsala and Akbar's Mansabdari settlement, ये तीनों चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली है. ये तीनों चीज़ें जहांगीर ने भी कंटिन्यू रखी, एंड ये तीनों चीज़ें जो है शाहजहां ने भी कंटिन्यू रखी. फॉर एग्जाम्पल जहांगीर के लिए नूर जहां, जिसकी आज हम बात भी करेंगे, शी वॉज द 20th वाइफ. तो मैरिज अलायंस वॉज क्वाइट कॉमन फॉर जहांगीर. एंड वैसे अगर हम लोग बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां हैड इलेबोरेटली कैरिड आउट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर बात भी करेंगे. thereafter the rejuvenation of the foreign relation and trade. This is also quite significant because Akbar had successfully established his authority in Central Asia. During this period of the time Central Asia में तीन important dynasties आ चुकी थी. एक तो समरकंद वाला एरिया जो एक्चुअल में बाबर का ही था, तो ये उज्बेकिस्तान वाला एरिया और उज्बेक और समरकंद ये पावरफुल डायनेस्टी हो चुकी थी. देयर आफ्टर पर्शिया में सफावीद डायनेस्टी आ चुकी थी एंड देयर आफ्टर टर्की में ओटोमन डायनेस्टी आ चुकी थी. तो सफावीद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया, उज्बेक ऑफ उज्बेकिस्तान एंड देयर आफ्टर फिर ओटोमन टर्क्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के साथ अकबर ने रिलेशन मेंटेन रखे थे. This relations was hostile also, diplomatic also, but the connection between Indian ruler and this three kingdoms ultimately proved beneficial for our country because trade with this particular region increased during this period of time. Thereafter, फिर negative feature की अगर हम लोग बात करें during this period of the time, then Mughals were at a zenith of their power, but इसका फायदा ordinary लोगों को as such नहीं हुआ. So that is one of the negative. एंड सेकेंड निगेटिव इज बेसिकली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही थी ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम. वेस्टर्न कंट्रीज में अब रेनेसां वाला दौर खत्म हो चुका था, एनलाइटनमेंट वाला दौर आ चुका था. एंड एनलाइटन मतलब साइंटिफिक डेवलपमेंट, बट अनफॉर्चुनेटली वी कैन से मुगल्स डिस्पाइट हैविंग इलेबोरेट कॉन्टैक्ट विद फ्रेंच, विद पोर्तुगीज, विद ब्रिटिशर्स, दे कुड नेवर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. मुगल्स के टाइम पे ही ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर पोर्तुगीज के मिशनरीज प्रिसाइजली मॉन्सरेट एंड क्वाविवा, ये दो इम्पोर्टेंट नाम हैं, ये अकबर के कोर्ट में आए हुए थे. वैसे ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जहांगीर वी कैन से ब्रिटिश एनवॉय पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड देयरआफ्टर सर थॉमस रो, ये मुगलों के कोर्ट में आए थे. एंड देयरआफ्टर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहां फ्रेंच फिजिशियन दैट इज फ्रैंकोइस बर्नियर जो है, ही वॉज प्रेजेंट इन हिज कोर्ट. बट डिस्पाइट हैविंग हैवी प्रेजेंस इन द कोर्ट, यूरोपियन से मुगल्स अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सीख पाए. तो दैट इज़ ऑल्सो निगेटिव. प्रॉब्लम ऑफ द सक्सेशन, एज आई टोल्ड यू, ये जो बैड सक्सेशन वाला जो प्रॉब्लम है, इट वॉज वेरी ह्यूज फॉर द मुगल्स बिकॉज सन रिवॉल्टिंग अगेंस्ट फादर फॉर द थ्रोन, इट इज़ अ वेरी बैड प्रेसिडेंट. एंड फिर ये हर एक मुगल एम्पायर को फेस करना पड़ा. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर हिमसेल्फ, जहांगीर के दो बेटे थे, खुसरो एंड खुर्राम. खुसरो ने पहले रिवॉल्ट किया, खुर्राम ने बाद में रिवॉल्ट किया. खुर्राम का रिवॉल्ट, खुसरो का रिवॉल्ट, दोनों ब्रेकडाउन तो हो गए, बट खुर्राम लेटर ऑन सक्सेसफुली बिकेम शाहजहां. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहां उसके दो जो इम्पोर्टेंट बेटे थे, दैट इज औरंगजेब एंड दारा सिकोह, इनमें सिविल वॉर चालू हुआ जिसमें अल्टीमेटली दारा सिकोह वॉज किल्ड एंड औरंगजेब जो है ही बिकेम द न्यू एम्पेरर. एंड वैसे फिर एम्पेरर के मरने के बाद उसके बेटों में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ एंड वही वॉर ऑफ सक्सेशन के वजह से फिर मल्टीपल राइवल जो थे कोर्ट में और नोबिलिटी जो थी, इट स्टार्टेड टू एज्यूम द पावर. तो जो एक बैड प्रेसिडेंट जो है इट वाज सेट अप. एंड देयर आफ्टर फिर एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जो था, दैट वाज द बेसिकली मेवाड़ वाला एरिया. यही मेवाड़ वाले एरिया में महाराणा प्रताप वाज द लास्ट रिमेनिंग सिटाडल ऑफ राजपूताना रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल. बट अब ये लास्ट रिमेनिंग सिटाडल हैड बिफॉलन एंड फिर इसके बाद जो है मेवाड़ वाला एरिया सक्सेसफुली मुगलों के अंडर आ चुका था. समवेयर अराउंड 1613 में मुगल मेवाड़ ट्रीटी साइन हुई थी इन बिटवीन अजीत सिंह एंड जहांगीर. एंड फिर ये ट्रीटी के बाद इवन मेवाड़ हैड एक्सेप्टेड सुजराइनटी ऑफ दिल्ली दैट इज मुगल. एंड फिर एक पीसफुल रिलेशन जो है इन बिटवीन राजपूताना एंड मुगल डायनेस्टी चालू हुए थे. तो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द पॉजिटिव दैट वी कैन टॉक अबाउट. Rebellion in Bengal happened during this period of the time. तो basically NCERT now is moving towards the Jahangir's reign. तो जहांगीर के reign में जो जहांगीर को problem हुआ उसकी थोड़ी सी बात करेंगे. तो जहांगीर का सबसे earliest problem जो था वो rebellion in Bengal था. अब बंगाल की story भी कुछ ज़्यादा important है नहीं. यहाँ पे सबसे पहले मानसिंह was sent as a Mughal governor, but अकबर ने towards the end of his period 1605 के around ही मानसिंह को वापस बुला लिया था. एंड मानसिंह को वापस बुलाने के बाद जो बंगाल वाला एरिया है ये अफगान एरिया था. इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पे शेर शाह सूर था, लोधी डायनेस्टी का प्रेजेंस भी था. तो ये दोनों के जो रिमेनिंग नोबिलिटी थी अफगान नोबिलिटी, वो वापस से बंगाल में जाके छुप गई थी. एंड यही नोबिलिटी को हराने का काम पहले मानसिंह ने किया. मानसिंह वापस जाने का यहाँ पे ये जो है दैट इज अफगान है वो वापस से रिवॉल्ट कर गया. एंड इनको हराने के लिए फिर न्यू गवर्नर दैट इज बेसिकली इस्लाम खान को भेजा गया ना. इस्लाम खान वॉज क्वाइट श्रूड पर्सन एंड इस्लाम खान ने पूरा का पूरा बंगाल वापस से मुगल्स के अंदर ला दिया. ये बंगाल वाला एरिया इज अगेन सिग्निफिकेंट एज वी हैव सीन कि multiple Mughal military commander were approached or were basically sent into this area by Mughal emperor. क्यों? Because Bengal was traditionally a rich province. ये area जिसके अंदर रहेगा that particular person will be one of the strongest person in northern India. And second important thing, दिल्ली को एक खतरा भी था हमेशा बंगाल से. हुआ भी वही, अकबर के टाइम पे भी ये बंगाल जो है उसके कॉन्क्वेस्ट के लिए अकबर हैड गॉन बाय हिमसेल्फ. एंड आफ्टर जहांगीर ने भी अपना एक ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर इस्माइल खान जो उसको इस्लाम खान को भेजा था. इस्लाम खान फिर वेंट इनटू द बंगाल. बंगाल में जाने के बाद उसने कुछ नए एरिया जो है बंगाल के जस्सोर कामरूप वाले एरिया वो कैप्चर कर लिए. सोनार गांव जो है इट वाज आल्सो कैप्चर्ड बट विथ वेरी हैवी यू कैन से दैट एनर्जी दैट वाज स्पेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया. 3 साल के लिए यहाँ पे वॉरफेयर चले एंड उसके बाद सोनारगांव हैड फॉलन. एंड वंस इट वाज कैप्चर्ड देन कैपिटल जो है ऑफ द एंटायर बंगाल किंगडम फिर एंटायर बंगाल प्रोविंस अंडर द मुगल वाज शिफ्टेड टू ढाका. एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली पीस इन बंगाल वाज रिस्टोर्ड बाय 1612-1613. तो बंगाल वाला एरिया जहांगीर ने अपने अंडर लाया. तो अगेन सेम चीज़ आपको दिखाई देगी कि एक नया सुल्तान आके बैठा है जहाँ उसने पहले राजपूताना वाला एरिया एंड आफ्टर बंगाल वाला एरिया अपने अंदर लाने का काम किया. तो जहांगीर वाज अ श्रूड पर्सन, ही न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ राजपूताना एंड बंगाल जस्ट लाइक अकबर एंड ही हैड ब्रॉट दिस एरिया सक्सेसफुली अंडर हिम. बट जहांगीर के साथ प्रॉब्लम था दैट ही वाज बेसिकली एक्सेसिव ड्रंकार्ड. बहुत ज़्यादा दारू पीने की जो आदत थी उसकी वजह से 1613 ऑनवर्ड जहांगीर की हेल्थ स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट. एंड इसके वजह से कोर्ट में जो राइवल फैक्शन है वो तो क्रिएट हुए ही एंड ये राइवल फैक्शन में जो पावर है कोर्ट में इट स्टार्टेड टू गो इन टू द हैंड ऑफ अ सिलेक्टिव ग्रुप. ये ग्रुप जो है इसको आप जनता भी बोल सकते हो. एंड दिस पर्टिकुलर सिलेक्टिव ग्रुप कंसिस्टेड ऑफ नूर जहान, हिज फादर एंड देयर आफ्टर हिज ब्रदर एंड देयर आफ्टर प्रिंस खुर्राम. प्रिंस खुर्राम जो है बेसिकली लेटर ऑन बिकेम शाहजहां. ये 4 लोगों ने सारी पावर जो अपने अंडर कैप्चर कर ली. एंड इन 4 लोगों के इन्फ्लुएंस में ही जहांगीर जो है थ्रू आउट हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ रहा टिल हिज डेथ इन 1627. तो जहांगीर की हेल्थ के वजह से नूर जहान मेहर उर निसा वाज द एक्चुअल नेम. शी केम इनटू द पावर. नाउ हर अर्ली लाइफ इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, इसको आप स्किप करोगे तो भी चलेगा. बट शी वाज वंस मैरिड टू द शेर अफगान फ्रॉम 1598 से लेके 1608 के अराउंड. एंड 1611 में अल्टीमेटली शी गॉट मैरिड अगेन टू जहांगीर. एंड जहांगीर को शादी करने के बाद शी बिकेम द प्राइमरी कंसॉर्ट ऑफ द जहांगीर ऑल्सो. शी वॉज बेसिकली वी कैन से डेट कि नूर जहान जैसे ही पावर में आई तो पावर में आने के बाद 1611 में जहांगीर के साथ शादी करने के बाद जहांगीर ने इसके फैमिली को भी फेवर किया था. एज आई टोल्ड यू इसके जो फादर थे इतिमादुद्दौला ही रिमेन द वजीर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम 1611 टू 1621. He was also important nobleman of Akbar and later on जहांगीर के अंदर भी इनका रिन अच्छा रहा. उसका खुद का सगा छोटा भाई था असफ खान who later on basically revolted against Noor Jahan and it was Asaf Khan who was responsible for putting Prince Khurram on the throne that is Shah Jahan on the throne. But अब ये internal rivalries को discuss करके कोई फायदा नहीं, इसको skip ही कर लेना. But he was basically handed over the title of the Khane-Saman. Khane-Saman is basically Chamberlain. Chamberlain मतलब कौन होता है? Then royal household को manage करने वाला बंदा. And royal household को manage करना मतलब princess को manage करना, क्वींस को मैनेज करना. एंड दैट्स व्हाई दिस नोबल वाज अ ट्रस्टेड पर्सन ऑफ द एम्परर. तो वी कैन क्लियरली सी नूरजहान की फैमिली जो है इट स्टार्टेड टू कम इनटू पावर इन मुगल्स फ्रॉम 1611 ऑनवर्ड. एंड एज आई टोल्ड यू विथ हेल्प ऑफ हिज हर फादर, ब्रदर एंड आफ्टर प्रिंस खुर्राम इन्होंने एक जनता जो है अपना एक सिलेक्टेड ग्रुप जो है वो बना लिया था. एंड ये बनाने के बाद जो है बेसिकली इनकी पावर जो है कोर्ट में बैनलाज चली. बट ऑब्वियसली ये जो जनता उसका एक इल इफेक्ट तो होना ही था. इल इफेक्ट होना था मतलब कोर्ट में राइवल फैक्शन बढ़े. एंड राइवल फैक्शन बढ़ने के वजह से फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम 1622 ऑनवर्ड मुगल कोर्ट में एक नया रिवॉल्ट चालू हुआ. ये रिवॉल्ट जो है बेसिकली नौ प्रिंस खुर्राम ने किया था. तो 1622-23 के ऑनवर्ड ही खुर्राम ने खुसरो जो था उसको पहले मार दिया. खुसरो को मारने के बाद ही बिकेम अ प्राइमरी contestant to the throne and once he became a primary contestant to the throne Noor Jahan got basically aware of whatever that was happening and Noor Jahan turned against Shah Jahan or Prince Khurram. And that is how fir ultimately 1622 se leke 27 for almost 5 years repetitive revolt jo hai Prince Khurram jo later on Shah Jahan bane unhone kiye. बट इसका एक बेसिकली हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रहा है कि नूर जहान की वजह से ही ये जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फादर एंड सन चालू हुए हैं एंड फिर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है अल्टीमेटली इवॉल्व इनटू द नेक्स्ट फेज दैट इज शाहजहांस और प्रिंस खुर्राम्स रिबेलियन। बट कुछ एक दो फैक्चुअल डाटा दे के रखे वो देख लेना कि सिंस मेहर-उन-निसा और नूर जहान हर्सेल्फ वाज फ्रॉम द पर्शिया, तो पर्शिया का एक हैवी इन्फ्लुएंस मुगल आर्किटेक्चर पे जहांगीर के रेन ऑनवर्ड हमको दिखाई देना चालू हुआ है। पहले भी हमको पर्शिया का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिखाई दिया है बट एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस अगर मुगल आर्कन आर्किटेक्चर के ऊपर पर्शिया का पढ़ना जब चालू हुआ तो इट वाज बेसिकली दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बट इन एनी केस बिकॉज ऑफ द नूर जहान वी कैन से फादर सन के बीच का जो दूरी है वो बढ़ा एंड दूरी बढ़ने के बाद फिर जो रिवॉल्ट है वो चालू हुए। समवेयर अराउंड 1622-23 जब प्रिंस खुसरो गॉट किल्ड एंड प्रिंस खुर्राम बिकेम द प्राइमरी कंटेस्टेंट ऑन द थ्रोन। खुर्राम ही शाहजहां ने, ये याद रखो, खुर्राम बिकेम द प्राइमरी कंटेस्टेंट ऑन द थ्रोन। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम खुर्राम को कोर्ट से बाहर भगाने के लिए उसको कंधार कैंपेन जो है उसका इंचार्ज बनाने का काम नूरजहान ने किया। बट प्रिंस खुर्राम वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज अवेयर कि इट वॉज अ बेसिकली प्लॉय टू सेंड हिम अवे फ्रॉम द कोर्ट ऑफ द आगरा। एंड फिर आगरा से दूर भगाने के लिए जो पूरा का पूरा जो नूरजहान का एस्पेक्ट है या फिर जो डिप्लोमेटिक मनूवर है वो पता चला खुर्राम को एंड खुर्राम रिवोल्टेड। ही वॉज बेसिकली सपोर्टेड बाई दी अफगान नोबिलिटी विच वॉज देयर इन बंगाल। He was also supported by the Mewar nobility and he was also supported by the Dakhan nobility. तो तीनों का सपोर्ट जो है प्रिंस खुर्राम को था because प्रिंस खुर्राम हमने कल ही देखा था, he was one of the military commander of the Southern campaign और दक्खनी campaign. And वैसे ही प्रिंस खुर्राम जो है he had मेवारी contingent under him, तो he had राजपूताना support also. And बंगाल में जो अफगान लोग बैठे हुए थे whoever revolting against the Mughals या फिर हुए रिवोल्टिंग अगेंस्ट दी एम्पेयर, उसको ये हमेशा से ही सपोर्ट कर ही रहे थे। इन्होंने एक जमाने में राणा संघ को भी सपोर्ट किया था अगेंस्ट बाबर। तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे शाहजहां जो है ही रिवोल्टेड एंड फिर उसका रिवोल्ट जो है खत्म करने के लिए महाबत खान वाज अ ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर ऑफ जहांगीर, उसको भेजा गया एंड महाबत खान ने फिर थोरो डिफीट जो है शाहजहां को दे दी। मेवार के हेल्प से फिर थोड़ा बहुत बच गया शाहजहां एंड शाहजहां अल्टीमेटली फिर हैड टू एस्केप फ्रॉम दिल्ली से एस्केप होके फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम वो बंगाल वाले एरिया में आया बट बंगाल में भी इसका कुछ ज़्यादा चला नहीं एंड फिर बंगाल से अल्टीमेटली ही हैड टू गो टू दक्खन एंड दक्खन में जाने के बाद फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम मलिक अंबेर के साथ अलायंस तो इसने कर ली बट ही सून रियलाइज दैट रिवोल्टिंग अगेंस्ट एम्पेयर इज नॉट अ वेरी गुड स्टेप एंड दैट्स व्हाई ही सेंट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी। इवन जहांगीर रियलाइज कि ये अपोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट थी because Prince Khurram was the most stablest of his son and he was basically going to be the next emperor. Jahangir को उससे कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, प्रॉब्लम तो नूर जहां की वजह से हुआ था and that's why जब लेटर ऑफ अपोलॉजी आई तो एक एग्रीमेंट वाज रीच एंड एज पर दिस एग्रीमेंट शाहजहां जो है उसको सॉर्ट करने के लिए उसको एक इलेबोरेट मनसब एंड जागीर जो है दक्खन वाले एरिया में दी गई। इन रिटर्न शाहजहां अपने दो बेटे दैट इज दारा सिको एंड औरंगजेब को एज अ हॉस्टेज जहांगीर के पास भेजेगा, ये ऐसा एग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ। लेटर ऑन महाबत खान जो है ऑब्वियसली वंस ही हैड डिफीटेड दिस एंटायर शाहजहां रिबेलियन और प्रिंस खुर्राम का रिबेलियन ही एज्यूम पावर नेचुरली। जहांगीर का कॉन्फिडेंट है महाबत खान के ऊपर बढ़ा विच वॉज नॉट टू द लाइकिंग ऑफ नूर जहान। तो नूर जहान ने धीरे धीरे फिर महाबत खान से दोस्ती चालू की एंड दोस्ती चालू करने के बाद महाबत खान के जितने भी इम्पोर्टेंट सोल्जर थे या फिर मिलिट्री कमांडर थे या फिर उसको सपोर्ट करने वाला जो नोबिलिटी का फैक्शन है वो अपने पास ले लिया। महाबत खान सून रियलाइज दैट हिज पोजीशन इज गेटिंग प्रिकैरियस इन द मुगल कोर्ट एंड जब उसको रियलाइज हुआ कि भाई पोजीशन अच्छी नहीं है ही रिवोल्टेड अगेंस्ट जहांगीर एंड फिर वो शाहजहां के कैंप में जाके बैठ गया। तो अगेन वी कैन से इन बिटवीन 1622 to 27 बिकॉज ऑफ नूर जहान मुगल कोर्ट में मल्टीपल प्रॉब्लम जो है वो चालू हुए एंड फिर यही मल्टीपल प्रॉब्लम्स में अल्टीमेटली जहांगीर की हेल्थ डिटेरियरेट हो रही थी, नूर जहान की पावर जो है वो बढ़ रही थी। तो महाबत खान वाला सागा यही देख के रखा है कि जो बेसिकली पूरा का पूरा जो ये है दैट इज बेसिकली महाबत खान वाला जो सागा है उसमें एलिगेशन बाय शाहजहां, मतलब ऑब्वियसली शाहजहां का वही कहना था कि नूर जहान जो है उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर जा रही है। नूर जहान जो है उसने बेसिकली महाबत खान से दोस्ती करके उसके सारे जो इम्पोर्टेंट एलाइज है उनको अपनी तरफ कर लिया एंड अल्टीमेटली फिर महाबत खान जॉइंट हैंड विद शाहजहां के साथ हैंड जॉइन करने के बाद He remained an important military commander even during the time period of Shah Jahan. But during this period of the time, by 1627 या फिर अक्टूबर 1627 जहांगीर डाइड एंड जहांगीर के जाने के बाद वही बेसिकली जो है असफ खान who was having the title of वकील by this period of the time. वकील का टाइटल भी इम्पोर्टेंट होता है. सुल्तान के टाइम पे ही हमने देखा था कि वजीर को काउंटर करने के लिए वकील या फिर नाइफ वाले टाइटल जो है वो एम्परर्स दिया करते थे. तो वकील वाला टाइटल जो है या फिर पोजीशन जो इट वाज गिवन टू असफ खान एंड असफ खान वाज द यंगर ब्रदर ऑफ मेहरुनिसा और नूरजहां. बट नूरजहां को किसी और रॉयल प्रिंस को किंग बनाना था. असफ खान वांटेड कि शाहजहां और प्रिंस खुर्राम है वो रॉयल प्रिंस बने एंड अल्टीमेटली हुआ भी वही कि उसने बगावत कर दी अगेंस्ट नूरजहां एंड फिर बेसिकली शाहजहां वाज कॉल्ड अपॉन एंड शाहजहां जो है ही बिकेम द नेक्स्ट एम्परर. शाहजहां का एम्परर बनना वाज नेवर अ गुड थिंग और इट वाज नेवर अ गुड न्यूज फॉर द मुगल्स. ही वाज बेसिकली द पर्सन हु सिंगल हैंडेडली किल्ड द एंटायर मुगल ब्लड लाइन. एंटायर मुगल ब्लड लाइन मतलब जैसे ही ये भाई साहब जब ये बने किंग बने प्रिसाइजली इन जनवरी 1628 में ऑन 23 जनवरी 1628 में ही पास्ट अ रॉयल ऑर्डर एंड फिर ये रॉयल ऑर्डर से जितने भी बचे हुए रॉयल प्रिंसेस जो है उन सबको हैंग किया गया था ऑन 23 जनवरी. इसमें किस किस का नाम था तो प्रिंस मुराद, प्रिंस दानियाल, ये दोनों बेसिकली जहांगीर के भाई थे, उनके बचे हुए बेटे एंड देयर आफ्टर इवन जहांगीर के बाकी के बचे हुए बेटे जो है सबको मार दिया गया ऑन दैट पर्टिकुलर डे दैट इज 23 जनवरी 1658 एंड दैट इज हाउ शाहजहां कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन इन द बिगिनिंग ऑफ हिज एम्पररशिप इटसेल्फ. कि कोई राइवल क्लेमेंट इसने जिंदा ही नहीं रखा था. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से कि एक बैड प्रेसिडेंट शाहजहां एंड उसके पहले जहांगीर ने सेट किया था. इट वॉज जहांगीर हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज फादर एंड अगेन जहांगीर के अगेंस्ट जो है प्रिंस खुर्राम ही रिवोल्ट कर गया था. And once Prince Khurram was in power, then Prince Khurram ने क्या किया, शाहजहां का टाइटल भी अडॉप्ट कर लिया एंड सारे राइवल क्लेमेंट है उनको फांसी के ऊपर भी लटका दिया. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से फॉर द मुगल एम्पररशिप. तो जो पूरा का पूरा पॉलिटिकल अरेना था इन बिटवीन 1605 से लेके 1628 1630 तक, इसमें शाहजहां एंड उसके पहले जहांगीर का पीरियड जो है उसमें बस ये तीन चार नाम ही याद रखो कि क्या चल रहा था क्या नहीं. यहाँ पे मुझे नहीं लगता है सच कोई इंपॉर्टेंट चीजें है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल. अगेन फॉरेन पॉलिसी ऑफ मुगल को इम्पॉर्टेंट है नहीं, एक सिंगल हैंडेड ऑब्जेक्टिव तो इनका था ही, दैट इज काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस. कंधार को खतरा था पर्शिया से, काबुल को जो खतरा था वो था उज्बेक से एंड दैट्स व्हाई फिर पर्शिया एंड देयर आफ्टर उज्बेक, ये जो दो एरिया है वो मुगल्स के आर्च राइवल रहे हैं. उसके अलावा ऑटोमन टर्क्स की भी राइजिंग पावर जो है इसी पीरियड ऑफ द टाइम में 1500 1600 के टाइम में बढ़ रही थी एंड यही राइजिंग पावर की वजह से इवन ऑटोमन टर्क्स वाज अ प्रॉब्लम फॉर द मुगल एम्पायर. और इन तीनों को अल्टीमेटली डील कैसे किया वो देखेंगे. इसमें ऑटोमन टर्क्स जो है इट वाज अ वेरी फार डिस्टेंट एम्पायर एंड ऑटोमन टर्क जो है इट वाज ऑलवेज एन मिलिट्री पावर नहीं नेवल पावर थी. तो मुगल सिंस दे वर नॉट ए नेवल पावर, उन्होंने ऑटोमन टर्क जो है उनके साथ ज़्यादा दुश्मनी कभी मोड़ नहीं ली बिकॉज दोनों जो है बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ द पावर्स आर देयर एंड दैट्स व्हाई काइंड ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशन इनमें दिखे. बट टॉकिंग ऑफ उज्बेक एंड पर्शिया देन इनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट वॉरफेयर अकबर के टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे और शाहजहां के टाइम पे हुए. अब उसके ऊपर देखेंगे कि आफ्टर फॉल ऑफ द टिमूरिड एम्पायर यहाँ पे उज्बेक सफाविद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया एंड ऑटोमन टर्क जैसे पावर जो है वो आए एंड फिर इन तीनों में जो नेचुरल एनिमी जो था मुगल का वो हमेशा उज्बेक थे. बाबर के टाइम पे हमने देखा था कि बाबर हिमसेल्फ इज अ उज्बेक पर्सन. बाबर को उज्बेकिस्तान से भगाने का काम उसी के सगे भाइयों ने किया था एंड दैट्स व्हाई उज्बेक्स वर ऑलवेज द प्राइमरी और आर्च एनिमी ऑफ द बाबर एंड मुगल एम्पायर. इट वॉज बाबर के टाइम पे ही उज्बेक को हराने का काम बाबर ने किया था बट फिर भी रिपीटेड इनकर्जन इनटू मुगलिया टेरिटरी बाय द उज्बेक पीपल वर देयर. तो उज्बेक वर द एक्चुअल थ्रेट एंड फिर मुगल्स ऑलवेज यूज टू कंसिडर देमसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम उज्बेक ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस पॉलिसीज. मुगल भी सुन्नी थे, उज्बेक भी सुन्नी थे एंड मुगल्स देमसेल्फ वर उज्बेक इन ओरिजिन. तो इन दोनों में राइवलरी किस बात की थी, तो सबसे पहले बाबर वाला पंगा तो था ही, दैट इज ओल्ड राइवलरी एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है इट वॉज बेसिकली रिलेटेड टू द रिलीजियस पॉलिसीज. मुगल्स वर ऑलवेज हैविंग लिबरल पॉलिसी. बाबर को अगर हम छोड़े तो हुमायून एंड देयर आफ्टर फिर इवन अकबर एंड इवन वी कैन टॉक अबाउट जहांगीर। ये तीनों लिबरल रूलर थे एंड लिबरल रूलर जो उनको सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी से हमेशा से परेशानी होती थी। एंड यही सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी जो है इट वॉज बेसिकली द स्टेट पॉलिसी ऑफ द उज़्बेक पीपल। तो उज़्बेकिस्तान या फिर उज़्बेक पीपल वेर सुन्नी ऑर्थोडॉक्स, मुगल इवन दो दे वेर सुन्नी पीपल दे वेर नॉट ऑर्थोडॉक्स। एंड इसी की वजह से एक राइवलरी जो है इन लोगों में डेवलप्ड हो रही थी। ओटोमन टर्क्स एज आई टोल्ड यू ये इस पीरियड में स्ट्रॉन्ग तो बन रहे थे, इन्होंने बेसिकली बड़ा एरिया जो है सेंट्रल एशिया में कैप्चर भी करके रखा था, बट इनमें एंड आफ्टर फिर वी कैन से दैट कि मुगलों में ज़्यादा कभी प्रॉब्लम नहीं हुए। इसमें क्या रीज़न था कि ओटोमन टर्क जो उनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यूरोप में थे एंड दे वर नेवल पावर। मुगल्स नेवर वांटेड टू इंटरफेयर इनटू दैट फार फ्लंग एरिया एंड इन दैट कैपेसिटी फिर अल्टीमेटली दोनों एम्पायर के बीच में एज सच कोई टस्सल हमको दिखाई नहीं देती है। डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स वर मेंटेन एंड बाय एंड लार्ज पीसफुल रिलेशंस वर आल्सो मेंटेन। बट उज़्बेक एंड पर्शिया के ऊपर आते हैं, ये दोनों आर्च एनिमी थे एंड इनके साथ अब क्या क्या प्रॉब्लम थे। नाउ टॉकिंग ऑफ उज़्बेक देन ऑब्वियसली इट ऑल स्टार्टेड विद बाबर। बाबर के टाइम पे ये एरिया जो है मुगलों के हाथ में आया, मुगलों के हाथ से चला गया। एंड इसी पीरियड में फिर सफ़ाविद डायनेस्टी जो है ईरान की वो भी आई थी। तो सफ़ाविद डायनेस्टी के साथ जो है मुगलों ने इनिशियल पीरियड में अच्छे रिलेशन मेंटेन रखे थे ईरान के साथ। एट द सेम टाइम उज़्बेक वाला एरिया जो है वो रिपीटेटिवली क्या कर रहा था, रिबेलियन जो है वो कर रहा था। तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द उज़्बेक जो है धीरे धीरे काबुल की तरफ बढ़ रहा था। बट काबुल में आने से पहले आपको दो एरिया में जाना पड़ेगा, दैट इज बाल्ख एंड एक बदख्शान। तो बाल्ख बदख्शान ये दोनों नॉर्थ अफगानिस्तान वाले एरिया है। ये एरिया को कैप्चर करोगे तो काबुल आपके अंडर आ जाएगा। एंड काबुल वाज अ साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ द मुगल टेरिटरी एंड दैट्स व्हाई मुगल्स वर ऑलवेज इन अ प्रिकैरियस पोजीशन और दे वर ऑलवेज अफ्रेड कि ये वाला एरिया उनके हाथ से ना जाए। ये वाला एरिया उनके हाथ से गया, देन काबुल उनके हाथ से चला गया। एंड दैट्स व्हाई फिर बाल्ख बदख्शान वाले एरिया वाज इंपॉर्टेंट। बट उज़्बेकिस्तान ने या फिर उज़्बेक लोगों ने अंडर अब्दुल्ला खान उज़्बेक 1572 के अराउंड ये बाल्ख वाला एरिया जो है कैप्चर कर लिया। इसी पीरियड ऑफ टाइम में ईरान में भी इंस्टेबिलिटी हुई। ईरान के जो रूलर थे शाह तहमास्प, जिन्होंने हुमायूं को अपने कोर्ट में असाइलम देके रखा था, ही डाइड। एंड उसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीपल लोकल लेवल के रिवॉल्ट ईरान में होने चालू हुए। एंड दैट इज व्हाट द प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट फॉर अकबर वॉज। ऑन वन हैंड अब उज़्बेक जो है बाल्ख बदख्शान से काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं एंड ऑन दी अदर हैंड ईरान, जिनके साथ इन्होंने अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखे, वो इंस्टेबिलिटी में चला गया। एंड दैट्स व्हाई अकबर गॉट प्रिकैरियस। एंड अकबर ने फिर एक सुलह करने की भी कोशिश की थी उज़्बेक लोगों को लेटर लिख के कि आपका जो कहना है कि ईरान इज बेसिकली शिया कंट्री एंड दैट्स व्हाई यू वांट टू इंटरफेयर इनटू इट, दैट इज नॉट गुड। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो बोल रहे हो ये आपको एक सी रूट चाहिए कहाँ से कहाँ पे जाने के लिए, तो हज जाने के लिए, एंड वो आपको शिया डायनेस्टी नहीं दे रही है, तो भाई तो आप हमारे रूट से आओ, हमने नए रूट खोल के रखे हैं, दैट इज गुजरात से। तो गुजरात से आप हज को जा सकते हो, तो उसमें भी आपको कुमरे को कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है। बट इन एनी केस अल्टीमेटली बाय 1585 उज़्बेक लोगों ने बदख्शान वाला एरिया भी कैप्चर कर लिया। तो पहले बाल्ख फॉल हुआ, फिर बदख्शान कैंपेन हुआ एंड बदख्शान फॉल होने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट वुड हैव बीन काबुल। एंड दैट्स व्हाई फिर अकबर 1586 के अराउंड शिफ्टेड हिज कैपिटल फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम टू लाहौर। एम्पेयर जहाँ होगा वहाँ पे कैपिटल होगी। ये चीज़ हमने सुल्तान के टाइम पे भी देखी थी कि गैरिसन टाउन वाला कंसेप्ट उनमें चलता था। एंड गैरिसन टाउन मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे एम्पेयर वहाँ पे कैपिटल। 1586 से लेके रफली 1598 के बीच में अकबर वॉज इन लाहौर इन ऑर्डर टू गार्ड दी डिज़ाइन ऑफ द उज़्बेक पीपल। तो यही वाला पंगा जो है हुआ कि सबसे पहले जो है अब्दुल्ला उज़्बेक जो है बेसिकली once he was capturing the entire areas of the Balkh, Badakhshan and even certain areas of the Iran, तो उसके बाद में मुगल एम्पेयर जो है that is Akbar he himself went to Lahore 1586 में गए and he stayed over there till 1598 जब तक अब्दुल्ला उज़्बेक मर नहीं गया। and in between this period of the time there was a minor agreement also in between Uzbek and Mughal कि जो बाल्ख बदख्शान वाला जो एरिया है वो उज़्बेक लोगों के पास जाएगा, काबुल वाला जो एरिया है वो मुगलों के पास रहेगा। बट फिर भी अकबर वॉज नेवर हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ द एग्रीमेंट। ही न्यू द मोमेंट वो लाहौर से आगरा की तरफ या फिर फतेहपुर सिकरी की तरफ वापस चला गया, देयर विल बी अटैक ऑन काबुल। एंड दैट्स व्हाई फिर ही स्टेड इन काबुल फॉर ऑलमोस्ट 12 years वी कैन से इन ऑर्डर टू गार्ड द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ आवर कंट्री that is basically Kabul-Kandahar line of defense. Thereafter फिर ईरान, रिलेशन विद ईरान की अगर हम लोग बात करें तो ईरान जो है एट वंस अपॉन अ टाइम शाह हमास के अंडर जब था तब कॉर्डियल रिलेशन थे, बट आफ्टर शाह हमास ईरान स्टार्टेड टू टेक इंटरेस्ट इन कंधार वाला एरिया। तो कंधार जो अफगानिस्तान के साउथर्न एरिया में आता है एंड फिर कंधार जो है इट ऑलवेज हैड अ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। ये स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्यों था? फ्रॉम मुगल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया से जितने भी ट्रेड रूट निकलते हैं वो कंधार को ज्वाइन होते हैं एंड कंधार से हेरत एंड हेरत से फिर सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं एंड दैट्स फॉर मुगल कंधार वाज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड पर्सपेक्टिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन कंधार क्यों इम्पोर्टेंट है इस काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। अगर कंधार आपके हाथ में है तो कंधार के नीचे बोलन पास आता है, बोलन से फिर क्वेटा, मुल्तान, सिंध, गुजरात, ये वाला जो ट्रेड इन्वेडिंग रूट जो है वो भी आपको अगर सिक्योर रखना है तो फोर्ट ऑफ कंधार जो आपको आपके पास चाहिए। तो मुगल के पास ट्विन ऑब्जेक्टिव थे कि कंधार उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। बट कंधार वाज वेरी रिच टाउन एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम बिकॉज एक मर्चेंट टाउन था, ट्रेडिंग टाउन था, एंड यही सी चीज के वजह से इवन पर्शिया वाज इंटरेस्टेड इन दिस टाउन। तो शाह तहमास के टाइम पे तो बेसिकली रिलेशन अच्छे थे बट धीरे धीरे वी कैन से ये वाले एरिया में ईरान का भी इन्फ्लुएंस बढ़ा एंड ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ने के साथ साथ इवन उज्बेक भी एरिया में थोड़े से इंटरेस्टेड तो थे ही। तो हियर बेसिकली उज्बेक एंड आफ्टर फिर ये वाला जो एस्पेक्ट है पर्शिया वाला एस्पेक्ट ये हम अभी हमने डिस्कस किया ही था। बट हिस्ट्री ऑफ कंधार की अगर हम लोग बात करें तो एज आई टोल्ड यू ये वाला एरिया स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट भी था एंड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट के साथ साथ ट्रेडिंग टाउन के वजह से भी इम्पॉर्टेंट था। तो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंस एंड ट्रेडिंग इम्पॉर्टेंस के वजह से कंधार वाला एरिया बाबर ने एक ज़माने में कैप्चर करके रखा था एंड कैप्चर करने के बाद जो है बेसिकली ईरान के साथ रिलेशन इन्होंने कॉर्डियल रखे थे। बट ऑब्वियसली ईरान के साथ जो कॉर्डियल रिलेशन जो मेंटेन थे इट स्टार्टेड टू डिटेरियोरेट वेरी सून। तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहान वी कैन से शाहजहान ने कंधार वाला एरिया जो है वहाँ पे अपनी पावर कंसोलिडेट करने का वापस से ट्राई किया एंड पावर कंसोलिडेट करने के चक्कर में एक लोकल रूलर था अली मर्दान खान वाज अ पर्शियन रूलर, उसको अपने पास खींच लिया। इसको जैसे ही अपने पास खींच लिया तो उसके बाद में फिर अल्टीमेटली वी कैन सी ये पूरा का पूरा जो कंधार वाला एरिया जो है वहाँ पे शाहजहां की पावर फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम बनी रही। बट फिर भी बाल्ख, बदख्शान एंड देयरआफ्टर काबुल कंधार वाला एरिया इट रिमेन अ प्रॉब्लम फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम। कंधार वाला एरिया जो है वो शाहजहां ने शांत तो कर लिया बट बाल्ख बदख्शान वाले एरिया में वापस से प्रॉब्लम जो है वो होने चालू हो गए। अब यहाँ पे वापस से वही लोकल लेवल का पंगा चालू हुआ। यहाँ पे एक लोकल रूलर था जिसका नाम था नजर मोहम्मद। इन नजर मोहम्मद जो है इसके खिलाफ बगावत हुई उसके बेटे की, दैट इज अब्दुल अजीज। नजर मोहम्मद वाज अ फेथफुल टू द मुगल वी कैन से, बट उसका जो बेटा था दैट इज अब्दुल अजीज ही वाज फेथफुल टू द उज्बेक एंड दैट्स हाउ वापस से उज्बेक वालों का इन्फ्लुएंस जो है ये बाल्ख बदख्शान वाले एरिया में अब धीरे धीरे बढ़ना जो है चालू हुआ। तो जैसे ही नाजर मोहम्मद का पावर गया ही अपील टू शाहजहां फॉर हेल्प। शाहजहां ने अपना एक बेटा था प्रिंस मुराद उसको भेजा बट प्रिंस मुराद प्रूव्ड आउट टू बी इनफेक्टिव पर्सन इन दिस एस्पेक्ट। तो प्रिंस मुराद के साथ जो है बेसिकली बहुत बड़ी आर्मी भी गई थी बट आर्मी जाने के बावजूद बेसिकली इनिशियल पीरियड ऑफ द टाइम प्रिंस मुराद जो है उसको मल्टीपल डिफीट्स का सामना करना पड़ा। बट इन लेटर पीरियड ऑफ द टाइम जो शाहजहां खुद गए तब जाके फिर उज्बेक जो है उनको बेसिकली पूरा का पूरा जो है एक हैवी डिफीट उनको दिया गया एंड बाल्ख बदख्शान वाला जो एरिया जो है वो बेसिकली इन्होंने कैप्चर कर लिया। ये आउटकम ऑफ द बाल्ख कैंपेन वही था कि फॉर द फर्स्ट टाइम वी कैन से कि काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस को और वेस्टर्न तरफ ढकेलने का काम जो है शाहजहां के अंडर हुआ। बट बाल्ख बदख्शान वाला एरिया ज़्यादा टाइम तक मुगलों के अंडर नहीं रहा। बाय 1649 ये वाला एरिया जो है यहाँ पे वापस से माइनर रिवॉल्ट हुए एंड यही माइनर रिवॉल्ट जो है इसके वजह से ये वाला एरिया वापस से इनके हाथ से चला गया। तो जैसे ही ये वाला एरिया इनके हाथ से चला गया देन ऑब्वियसली फिर ये वाले एरिया में पहले औरंगजेब को भेजा, उसने 2 कैंपेन किए बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए एंड आफ्टर एक और कैंपेन हुआ। किसके अंडर हुआ ये एक और कैंपेन? देन वो हुआ दारा सिको के अंडर बट इवन दारा सिको वाला जो कैंपेन जो है वो फेल हुआ। एंड फिर ये कैंपेन फेल होने के पीछे 2 रीजन अगेन हम लोगों को मिलते हैं कि कंधार का फोर्ट जो है इट वाज नेचुरली वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्ट। एनी डिटरमाइंड मिलिट्री कमांडर हु हैड अ विल पावर कैन विथहोल्ड दिस फोर्ट एंड हुआ भी वही। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी ऑफ द मुगल वाज सुपीरियर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम बट वो मीडिएवल पीरियड की थी एंड मीडिएवल पीरियड की जो बेसिकली मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी से आप बड़े बड़े फोर्ट को कैप्चर जो है वो नहीं कर पाते। ये काफी प्रूवन फैक्टर था। जो कंटेम्प्ररी वेस्टर्न क्रॉनिकलर यूरोपियन ट्रैवलर जो इस पर्टिकुलर एरिया में थे, उन्होंने अपने किताबों में लिख के भी रखा था कि मुगल की जो आर्टिलरी है वो आवाज़ ज़्यादा करती है रादर देन हार्म, एंड दैट क्लियरली शोज द लिमिटेशन ऑफ द मिडीएवल आर्टिलरी बिकॉज ऑफ विच मुगल्स कुड नॉट कैप्चर द एंटायर एरिया। बट इन एनी केस ये वाले एरिया में फिर अल्टीमेटली कंधार बाल बदख्शान वाला एरिया जो है फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम शांत हुआ 1660s में जाके। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1660s उज़्बेक के भी जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो मर चुके थे, ईरान के इम्पोर्टेंट रूलर मर चुके थे, एंड इन दैट कैपेसिटी अब सारा का सारा एरिया जो है वहाँ पे औरंगजेब ने अपनी सुजेराइनिटी लेटर ऑन एस्टेब्लिश करके रखी थी। एंड इसका फ़ायदा ही वी कैन से मुगलों को हुआ बिकॉज स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया था ये। स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया मतलब काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस भी सिक्योर हुई एंड ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट था, एंड इन दैट केस फिर सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट जो है वो भी मुगलों के लिए खुले। देयर आफ्टर फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में फिर क्या क्या चेंजेस हो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो इन्होंने दे के रखी है, जिसमें कुछ कुछ फैक्चुअल डाटा ही आपको याद रखना है कि सर्टन चेंजेस एंड सर्टन कंटिन्यूटी जो है चली। मतलब अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन इतना रॉक सॉलिड था कि बस उसी में माइनर चेंजेस हुए, कोई नई इनोवेटिव सिस्टम जो है शाहजहां एंड उसके पहले जहांगीर ने इस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं इंट्रोड्यूस किए। तो बस सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग को दिखाई देता है कि जो मनसबदार है उनकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी बड़ी थोड़ी सी कम हुई, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो सैलरी जो है वो एक्चुअल में कैश में नहीं दी जाती थी, ये एक्चुअल में किस में दी जाती थी, जागीर में दी जाती थी। नकद वाला कॉम्पोनेंट जो है वो आमिर साधा के लिए था, मतलब मनसबदार अप टू 100 रैंक है उन्हीं के लिए था। वैसे फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है इसको कम करने के एफर्ट भी हुए थे, एंड ईच एंड एवरी मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ मिक्स कंटिंजेंट ताकि क्लैन लॉयल्टी रेशियल लॉयल्टीज कम हो। बट फिर भी एज पर द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एम्पेरर सर्टन सॉर्ट ऑफ द होमोजीनियस कॉन्टिंजेंट है वो मेंटेन रखने की परमिशन जो रॉयल प्रिंसेस एंड राजपूताना रूलर को मिली हुई थी। तो राजपूताना रूलर इफ दे वांट दे कैन मेंटेन ओनली राजपूताना सोल्जर अंडर देम, एंड रॉयल प्रिंसेस जो है उनको भी परमिशन थी कि दे कैन मेंटेन देयर ओन कंटिंजेंट अंडर देम। तो ये वाला जो है बेसिकली विम्स एंड फैंसीज ऑन दी मुगल एडमिन एम्पायर चलने वाली सिस्टम थी। देयर आफ्टर फिर जो मनसबदारी थी उसमें हमने देखा था कि जात होता है, सवार होता है, धाविश्री सिस्टम होती है। आपका जितना जात है उतना ही आपका सवार रहेगा, एंड फिर उससे डबल जो आपके घोड़े रहेंगे। बट अब इसमें एक सीहस्पा दुअस्पा नाम की जो सिस्टम जो है वो आई थी, एंड सीहस्पा दुअस्पा नाम के सिस्टम में क्या हुआ कि धाबिश्री सिस्टम जो वो चली गई। आपका एक जात होगा, उतने नंबर के आपको सवार मेंटेन करने हैं, बट सवार के साथ साथ घोड़े कितने मेंटेन रखने हैं तो धाबिश्री नहीं सीहस्पा दुअस्पा, मतलब बेसिकली 2 मेंटेन रखने या 3 मेंटेन रखने वो एम्पेरर बताएगा। तो विदाउट इंक्रीजिंग योर जात रैंक आपके जो नंबर ऑफ द घोड़े जो है वो इंक्रीज करने का काम जो इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंडर होता था। तो आपकी जात सेम रहेगी, बस आपका बेसिकली क्या इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ द घोड़े जो है वो लेटर ऑन इंक्रीज होंगे। तो ये सीहस्पा दुअस्पा सिस्टम जो है यहाँ पे बेसिकली जहांगीर के पीरियड में चालू हुई। तो जहांगीर ने बस एक माइनर ट्वीक किया था कि धाबिश्ती मतलब पहले फिक्स रेशियो चलता था, अब एम्पेरर के विम्स एंड फैंसीज के ऊपर वो रेशियो जो है वो चलेगा। शाहजहां ने फिर इसमें और बेसिकली मॉडिफिकेशन ये किए थे, दैट इज बेसिकली चेंजेस किए थे। शाहजहां का पीरियड जो है लेटर ऑन इसके ऊपर बात भी करेंगे कि इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिकल टर्मोइल ऑफ द मुगल एम्पायर। ऑन वन हैंड शाहजहां ने पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में मल्टीपल आर्किटेक्चरल मार्वल्स बनाने चालू किए थे। शाहजहानाबाद नाम की सिटी, दैट इज रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, देयर आफ्टर ताजमहल, एंड ऑन दी अदर एंड बड़े बड़े मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो वो भी चल रहे थे, जैसे 1633 के अराउंड साउथर्न कैंपेन, बाल्क बदख्शान कैंपेन। तो इन सब चीज़ों से हुआ क्या, जो मनी जो है दैट इज स्ट्रेन ऑन द ट्रेजरी वॉज ट्रिमेंडस। जितना पैसा आपके पास आ नहीं रहा है उससे ज़्यादा आपने खर्चा कर दिया, तो स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज तो आना ही था, हुआ वही। एंड दैट्स वाई फिर शाहजहां के पीरियड में हमको ये दिखाई देता है कि देयर वाज अ ड्रास्टिक रिडक्शन in the number of the savar and number of the horses that were required to be maintained by a particular mansabdar। तो एक mansabdar जो है पहले अपने जात के equivalent number ही सवार maintain रखता था, अब वो सवार का कोटा जो है basically reduce करके 1/3 से 1/4 हुआ। मतलब अगर आपका जात अगर 1000 का रहेगा तो बस आपको कितने घोड़े मेंटेन रखने हैं, 1000 का 1/3 ही आपको जो है बेसिकली मेंटेन रखना है। वैसे ही फिर अगर आपका ज़ात जो है बेसिकली 500 हुआ तो उसका 1/3 ही सवार आपको जो है मेंटेन रखना है। ये क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपने इक्वेलेंट नंबर ऑफ सवार मेंटेन रखे देन एम्परर को उतनी जागीर उतना पैसा आपको देना पड़ेगा जो एम्परर के पास नहीं है। एंड दैट्स फिर आपने सवार का जो रैंक है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया। मनसबदार जो है बेसिकली जागीर हमेशा प्रेफर करते थे, हमने देखा भी था। एंड लेटर पीरियड ऑफ द टाइम में हुआ भी वही कि अकबर के टाइम में जो नकद वाला कॉम्पोनेंट चलता था और नकद वाला कॉम्पोनेंट जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द शाहजहां आते आते हमको पूरा ही गायब दिखाई देता है। मेजॉरिटी ऑफ द एम्पेरर जो है मेजॉरिटी ऑफ द फोकस ऑफ एम्पेरर वॉज ऑन ग्रांटिंग ऑफ द जागीर, बिकॉज उसी से वो नोबल मैन जो खुश होता था। एंड वैसे फिर एक जामदामी नाम का जो सिस्टम जो है वो भी हमको यहाँ पे दिखाई देता है। जामदामी मतलब जब आपको एक जागीर दी जाएगी तो जागीर में एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द इनकम होता था कि भाई इतना पैसा ये पर्टिकुलर जागीर पे आना चाहिए, जिसको आप बोलोगे जमा। तो ये जो जमा जो है उसका एक रजिस्टर होता था, उसको आप बोलोगे जमा दामी। एंड इसको दामी इसीलिए बोला जाता था बिकॉज जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो बेसिकली आप मुहर में या फिर आप बेसिकली रुपया में नहीं, आप दाम में कैलकुलेट करते थे। दाम इज बेसिकली द कॉपर करेंसी, रुपया इज द सिल्वर करेंसी, अशरफी या फिर मुहर जो है वो गोल्ड करेंसी थी। तो गोल्ड, सिल्वर एंड देयर आफ्टर कॉपर। तो कॉपर करेंसी के ऊपर जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू कैलकुलेट किए जाते थे। एंड फिर ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू को आप बोलोगे जमा। एंड जमा जो है बेसिकली किस में कैलकुलेटेड हो रहा है, देन ऑब्वियसली दाम में कैलकुलेट हो रहा है, तो इसलिए इसको जामदामी बेसिकली बोला जाता था। तो जामदामी सिस्टम जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लेटर ऑन ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द औरंगजेब बहुत ज़्यादा हो गया। जितना पैसा आने वाला है ही नहीं वो जागीर से, उतना पैसा लेके आओ, मतलब एस्टिमेटेड है, ऐसा बोलने का काम औरंगजेब के पीरियड में चालू हुआ। एंड ऑब्वियसली फिर जो एक्चुअल पैसा आया, दैट इज हासिल जो आया, वो ऑब्वियसली क्या होगा, देन ऑब्वियसली कम होगा। तो जमा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, हासिल इज द एक्चुअल इनकम, इनके बीच में जो बेसिकली मिसमैच हुआ है इसकी वजह से इकोनॉमिकल कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर हुआ, दैट इज इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑफ द मुगल एम्पायर एंड अग्रेरियन क्राइसिस ऑफ मुगल एम्पायर आया। तो इसके ऊपर जब औरंगजेब में जाएंगे तब बात करेंगे। ओके, देयर आफ्टर फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम फिर बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम जो है वो भी हम लोग को दिखाई देते हैं। सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नोबल जो है वो हमको दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली जब आपका इकोनॉमिकल सिस्टम शाहजहां पीरियड टर्मोइल होना चालू हुआ, देन जागीर कम हुए। एंड जागीर जब कम हुआ देन ऑब्वियसली एस्टिमेटेड इनकम एंड देयर आफ्टर फिर एक्चुअल रेवेन्यू, इसके बीच में जो प्रॉब्लम चालू हुए इसके वजह से फिर सोल्जर या फिर मनसबदार जो है उनका पैसा कम हुआ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है इन्फ्लेशन जो है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम इंक्रीज हुए। तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होना ही था, बिकॉज जब आप बोलोगे कि भाई इतना रेवेन्यू आना चाहिए जितना आ ही नहीं सकता, एंड फिर उसके हिसाब से आपने आपकी इकोनॉमी पूरी की पूरी बिठाई, देन ऑब्वियसली फिर कॉस्ट एस्केलेशन, इन्फ्लेशन जो है वो होना था। इनएफिशिएंसी ऑफ मुगल कैवलरी जो है वो भी हम लोग को दिखाई दी है, बिकॉज ऑब्वियसली आपने जब क्या किया, जितना ज़ात था उतने ही सवार मेंटेन रखने थे, बट आपने सवार का कोटा 1/3 1/4 कर दिया। एंड दैट्स व्हाई फिर अल्टीमेटली आपका आर्मी का स्ट्रेंथ भी कम हुआ। एंड आर्मी का स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ जो क्रीम ऑफ द मिलिट्री कमांडर थे वो आपकी सर्विसेज छोड़ के एक तो दक्खन में या फिर बेसिकली ईरान में या फिर ओटोमन टर्क में जाके सेटल होने चालू हुए। हाउएवर मनसबदारी सिस्टम अभी भी थोड़ी बहुत जो एफिशिएंट थी, एंड देयर आफ्टर अपॉइंटमेंट जो होते थे वो अभी भी मेरिट बेस ही बेसिकली चला करते थे। तो ये वाले जो एस्पेक्ट जो है वो हम लोग को दिखाई दिए। एंड देयर आफ्टर फिर मुगल आर्मी की कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने देके रखी है कि कैवलरी जो है हमेशा से ही बेस था। एंड कैवलरी में सबसे इम्पोर्टेंट सोल्जर जो इनके हुआ करते थे उनको ये लोग बोला करते थे अहादी। तो अहादी जो है बेसिकली इम्पोर्टेंट सोल्जर जो है वो हुआ करते थे, बट अहादी वेर मर्सीनरी, दे वेर नॉट अ स्टैंडिंग आर्मी। तो ये काइंड ऑफ द मर्सीनरी जो है हुआ करते थे। फिर वलशाही जो नाम के जो सोल्जर है ये बेसिकली जानदार हुआ करते थे। जानदार या फिर वलशाही ये रॉयल बॉडीगार्ड थे, तो ये वाला भी एक टर्मिनोलॉजी देके रखा है। एंड देयर आफ्टर पियदगान, पियदगान वाज बेसिकली फुट सोल्जर। तो जो बेसिकली इन्फेंट्री होती थी, फुट सोल्जर जो होता था उसको लोग पियदगान जो है बोला करते थे। आर्टिलरी के भी 2 डिवीजन मिले हम लोग को, हैवी आर्टिलरी एंड लाइट आर्टिलरी। बट एज वी हैव डिस्कस मुगल की जो हैवी आर्टिलरी थी वो बेसिकली एफिशिएंसी कम एंड प्रॉब्लम ही ज़्यादा क्रिएट करती थी, बिकॉज इनका ट्रांसपोर्टेशन वॉज फर्स्ट प्रॉब्लम एंड सेकेंड प्रॉब्लम एज mentioned by the contemporary chronicler कि ये सारे जो मशीनरी है they were basically creating more noise as compared to the harm. तो ये harm कम and noise मतलब आवाज जो है वो ज्यादा करती थी. Thereafter फिर influence of outsiders on the artillery भी हम लोगों को दिखाई दिया है. ये ऑटोमन टर्क हो सकता है या फिर पोर्तुगीज हो सकता है, उनका एक हैवी इन्फ्लुएंस जो है इनके हैवी आर्टिलरी के ऊपर हमको दिखाई दिया है. देयर आफ्टर फिर डिफरेंस अमंग द हिस्टोरियन भी इसके ऊपर तो है ही कि मतलब ये इतनी बड़ी आर्टिलरी जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. एंड फिर मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन का वही कहना है कि ये जो हैवी आर्टिलरी जो है वही काम की नहीं थी. स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी की अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द शाहजहां एक रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी हमको दिखाई देती है, जहाँ पे इनके पास 2 लाख की जो है कैवलरी थी एंड यही कैवलरी जो है 2,40,000 के ऊपर इंक्रीज करने का काम जो औरंगजेब ने किया. एंड ये हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ शाहजहां. जो लेवल के खर्चे शाहजहां ने किए हुए थे वो लेवल के खर्चों के ऊपर अल्टीमेटली इतना बड़ा एम्पायर, इतनी ज़्यादा नोबिलिटी टिकाना काफ़ी मुश्किल हो रहा होगा. एंड दैट्स फिर एक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द कैवलरी मैन, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ द हॉर्सेज जो है वो हुआ. एंड आफ्टर फिर बर्नियर का इसके ऊपर एक रिमार्क भी है, राइट, कि उनका जो है बेसिकली कहना था कि ये पर्टिकुलर जो ये है दैट इज सक्सेस जो है मुगलों का, ये बेसिकली क्यों हुआ था? देन ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा जो सक्सेस जो है ये इसके वजह से हुआ था बिकॉज मुगल इन्फेंट्री जो थी ये बेसिकली एक ज़माने में अच्छी थी बट लेटर ऑन दे हैड पेड नो हेड इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज देमसेल्फ. तो इट वॉज बेसिकली इल ऑर्गेनाइज, इल लेड, इल डिसिप्लिन्ड आर्मी थी एंड यही वाली जो एस्पेक्ट जो है चला. जहांगीर हो सकता है, देयर आफ्टर शाहजहां हो सकते हैं एंड औरंगजेब हो सकते हैं. दे themselves were very good military commander and that's why इनके अंदर अगर आर्मी जा रही है देन ऑब्वियसली वो आर्मी कमाल की थी. बट द मोमेंट एक वीक रूलर आ गया देन ऑब्वियसली आर्मी फिर किसी की बात नहीं सुनने वाली थी. वो इल डिसिप्लिन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज वुड हैव सेट इन एंड फिर ये मुगलों को जो है बर्बाद करने ही वाली थी. एंड यही रीज़न जो है वो बेसिकली बर्नियर ने भी दिया है कि बाग बदख्शान वाला एरिया लॉन्गर पीरियड तक मुगल जो है होल्ड क्यों नहीं कर पाए. बाबर गया, अकबर गया, जहांगीर गया, शाहजहां गया, औरंगजेब गया, तो ये लोग जीते वहाँ पे. बट जैसे ये लोग वापस आए तो इन्होंने वो वाला एरिया जो खो दिया बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज वर डेवलप इन दैट एरिया. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन से फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगेन जाते जाते न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल जो है इट इज बेसिकली गेटिंग लॉन्च ऑन 15th of June. तो ये पर्टिकुलर बैच के बारे में मैंने आपको कल भी समझाया था इलेबोरेटली कि जो हमारा जो एक्चुअल बेसिक फाउंडेशन है वो तो इसमें आपको मिलेगा ही एंड फाउंडेशन के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी. फाउंडेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये फाउंडेशन जो है इसमें हम लोगों ने बेसिकली 3 पिलर के ऊपर हमेशा फोकस रखा है. सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट इज द लेक्चर, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न इंडिया एंड मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर 35 to 40 लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक विच विल क्रिएट अ बेसिक कंसेप्चुअल फाउंडेशन फॉर यू. देयर आफ्टर एक इलेबोरेट अमाउंट ऑफ क्रक्स मटेरियल जो है उसका एक्सेस मैं आपको दूंगा. एंड ये जो क्रक्स मटेरियल के साथ साथ आपको पीपीटी एंड हैंड रिटन नोट जो मिलेंगे उसके वजह से कंटेंट की जो कमी होती है हिस्ट्री ऑप्शनल में वो आपको महसूस नहीं होगी. एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. आई हैव माइसेल्फ स्कोर 300+ इन हिस्ट्री ऑप्शनल तो ऑब्वियसली आई नो हाउ टू फेच दैट मार्क्स. तो इतने सारे मार्क्स कैसे लाने हैं हम लोगों को इसी से पता चलेगा कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस से. तो ये 3 चीज़ें तो पहले थी ही बट इसके अलावा एक जो प्रॉपर कंसोलिडेटेड पेपर सॉल्विंग का जो स्नैक आपको लगेगा उसी के लिए अल्टीमेटली टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस बैच. तो टेस्ट सीरीज में टोटल 12 टेस्ट विल बी देयर, 8 सेक्शनल एंड 4 फुल लेंथ विल बी देयर. हर एक टेस्ट जो यूपीएससी के क्वालिटी का हम लोग मेंटेन रखेंगे इसका इवेल्युएशन जो मेरे गाइडेंस के अंडर होगा एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी आंसर क्वाइट थोरोली. तो इफ यू आर फ्रॉम द हिस्ट्री ऑप्शनल बैकग्राउंड देन डू join the course guys, and in order to avail maximum possible discount use my code that is SNLIVE. So that will be it from my side guys today aaj ke liye. We will stop over here, we'll meet again tomorrow. I'll just wrap it up as soon as I can. To chapter number 15 to ab ho chuka hai, ab chapter number 16 17 18 and 19 ye isi week mein most probably I'm going to cover up. Okay, so thank you so much guys, I'll be meeting you again tomorrow. But again jaate jaate you will get the access to this PPT as well as crux material on the Telegram channel. And अगर आपको कोई doubt रहेगा then feel free to ask me that doubt on the Instagram channel of ours. Okay, so thank you so much guys, we'll meet again tomorrow. Okay, thank you. Yeah. Study IQ IS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।